हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, खून में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये आज के समय एक ऐसी कॉमन समस्या हो गई है। वास्तविकली तो ये जेनेटिकली भी होती थी, लेकिन आजकल ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज बन गया है। मेहनत हम लोग करते नहीं हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन दिमाग से ज़्यादा करते हैं, या यूँ कहें मेहनत करना नहीं चाहते हैं। और इस कारण, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के कारण, बिला वजह दसियों लाख रुपए के अस्पताल बिल के हम घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत महंगी, एक सत्य है, इलाज कहीं नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कुछ दवाएं जो आपके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सक्षम है। और वीडियो के आखिर में आपको एक बोनस दवा है, वो भी आप सुनिएगा सारी दवाओं के बाद, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम लोग क्लिनिक पर इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के विषय में, और आपको बताएंगे हाई कोलेस्ट्रॉल को, या जो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है ब्लड में, उसको कंट्रोल करने, उसको नॉर्मलाइज करने, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 से कम लाने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों ये समझ लेते हैं ये कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल साथियों एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लड में मिक्स रहता है, और यह हेल्दी सेल्स को बनाने का एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लेकिन क्या होता है साथियों, हम लोग के लाइफ स्टाइल के कारण या किसी दिक्कत के कारण, यह जेनेटिक भी होता है, कभी कभी इनहेरिट भी होता है, यह जो है वह एक्सेस हो जाता है ब्लड में, और फिर यह ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगता है। ब्लड वेसल्स में जब ये डिपॉजिट होता है तो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है यह वैक्सी सब्सटेंस, और अल्टीमेटली यह मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और तमाम अन्य बीमारियों का कारण बनता है। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। सिम्टम्स हाई कोलेस्ट्रॉल का ऐसे कोई सिम्टम नहीं होता है। आप जब एक लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें आपका यह टोटल कोलेस्ट्रॉल आएगा, आपको ये देखना है कि 200 से कम हो, 200 से ज़्यादा है तो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपको इसके लिए कुछ करना है। कारण की बात कर लेते हैं साथियों, कारण इसका होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन होता है कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जब आपके ब्लड में LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ता है, यही वो प्रोटीन होता है लिपिड, यही वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो डिपॉजिट होता है जगह जगह आपकी आर्टरीज में, और आपकी आर्टरीज को चोक और ब्लॉक करने में मदद करता है। इसके अपोजिट एक HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो इस कोलेस्ट्रॉल को उठाता है जो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है, और इसको सही जगह पर अपने पूरे सिस्टम में, इकोसिस्टम जो बॉडी के अंदर का, उसमें इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब आपका LDL बढ़ जाता है तो आपकी चिंता का विषय होता है, यह लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ही आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है। समस्या है तो साथियों उसका समाधान है, हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके यहाँ लो डेंसिटी लिपिड LDL को ख़त्म करेंगी, हाई कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेंगी, और बिला वजह की एक दिक्कत जो आपके हार्ट को स्ट्रेस है उसको, और बॉडी को स्ट्रेस है उसको ख़त्म करके आपके जीवन को आराम देंगी। दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें, यहाँ दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पर, जिस पर आपको बताते हैं कुछ कारगर दवाएं जो आपको स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम है। नंबर एक दवा साथियों जो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की, हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की होम्योपैथी में है, वह है एलियम सेटाइवम यानी लहसुन से बनी यह दवा है। तो एलियम सेटाइवम बहुत अच्छी दवा है आपके कोलेस्ट्रॉल, बढ़े कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए, आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, और आप जो लोग मीट मछली ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके LDL को कम करने के लिए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आप नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं और आप की कमज़ोरी बहुत है, तो आप एलियम सेटाइवम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर
बहुत ही कम वक्त में अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने का एक प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति साथ ही आती है कि किसी मरीज के नस बहुत तेज चल रही हो, पल्स बहुत तेज चल रही हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो और रात में उनको तकलीफ होती हो। तो अगर आपके पल्स बहुत तेज चल रही है और आपको हाइपरटेंशन रहता है और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपकी पल्स बहुत तेज चल रही है और आपको ब्लड प्रेशर है और रात में आपको तकलीफ बढ़ती है। उस स्थिति में यह दवा लाभ देकर आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति साथ ही आती है कि मरीज बहुत ओवरवेट हो, ओबीज हो, भारी भरकम हो और उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हो। तो अगर ऐसी स्थिति है साथियों कि मरीज का वेट बहुत ज़्यादा है, खासतौर से महिलाओं में अगर वेट बहुत ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। आप कैल्केरिया कार 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके सर से पसीना बहुत आता हो, जो एक तरह से तकिए को भी गीला कर देता हो, आपको सर्दी ज़्यादा लगती हो, आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, मीठी चीज़ें आपको खाना बहुत पसंद हो, तो उस सिम्टम्स पे आपके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने की बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती हो कि आप ड्रिंक बहुत करते हो, कोई मरीज ड्रिंक बहुत करता हो, दारू बहुत पीता हो और उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा हो, तो अगर वह स्थिति है साथियों, तो पहली बात तो यह है कि दारू पीना छोड़ दें, वरना एक दिन दिल आपका, हार्ट आपका साथ छोड़ देगा। दिल टूटा हो तो भी आप दारू पीना छोड़ दें। और एक दवा होम्योपैथी में आती है नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। यह दवा आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है, आपका हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो और आपका दिल बहुत कमज़ोर हो गया हो। दिल कमज़ोर होने का मतलब ये है कि जरा से एक दरअसल से आपकी धड़कन बहुत बढ़ जाती हो और आपके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्रिटिकस ऑक्सीकैंथा। क्रिटिकस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करेगी और आपके जो ओवर एक्सर्शन ऑफ हार्ट हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, उसको भी ठीक करके बहुत जल्दी आपके हार्ट को नॉर्मल करेगी। क्रिटिकस एक जनरल हार्ट टॉनिक भी है जो किसी भी हार्ट के एनोमली को ठीक करने में, आपको लाभ देने में सक्षम है। यदि हमारे बुजुर्ग साथियों में, सीनियर सिटीजन्स में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उनको ठीक करने के, क्योंकि वो ऐसी स्थिति होती है कि वेंस अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर चुकी होती हैं, आर्टरीज अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर चुकी होती हैं, तो उस स्थिति में उनको लाभ देने की बहुत कारगर दवा है बराइटाम्यूराटिकम। बराइटाम्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह व्यक्ति ले सकता है जिसके वेंस में इलास्टिसिटी खत्म हो गई हो, ओल्ड एज पीपुल हो, तो यह दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है, किन्हीं बुजुर्गों में आ सकती, किसी में आ सकती है, कि आपके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो और साथ में आपके बॉडी में ड्रॉप्सी हो गई हो, यानी बॉडी में एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स हो रहा हो, सूजन आ गई हो, तो अगर वह स्थिति हो और आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है स्ट्रोफेंटस हिस्पिटस। स्ट्रोफेंटस हिस्पिटस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह आपके शरीर की ड्रॉप्सी को भी ख़त्म करेगी और आपके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करेगी और आपको नॉर्मल करेगी। एक साथियों दवा जो हमने अपने क्लिनिक पे काम करते देखा है, कभी फेल होते नहीं देखा, यह एक विशेष कंपनी की दवा है, लेकिन इंसाफ वीडियो का यही कहता है कि हम आपको वो दवा अवश्य बताएं जिससे हम लोग क्लिनिक पे कोलेस्ट्रॉल 1 महीने में लगभग गारंटी पे, लगभग का मतलब 99% केसेस में कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर देते हैं। एक कंपनी की दवा है, मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक दवा बता रहा हूँ, वह दवा है SBL कंपनी की टोनी कार्ड। अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप टोनी कार्ड गोल्ड ड्रॉप्स आती हैं बाजार में, SBL कंपनी की होती है, शायद 350 रुपये की 100 ml होती है, इसकी आप 20 बूंद सुबह शाम पी सकते हैं, आधे कप पानी में
एक महीने के अंदर आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी कम करने में, काफ़ी नॉर्मल करने में सक्षम है। तो एक बार अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप ये दवा करके देखें। हमने सोचा कि आपका हम पे आशीर्वाद रहता है, तो एक दवा हम किसी कंपनी की भी बता दें। हालांकि हम लोग किसी भी कंपनी का नाम लेने पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बहरहाल, ये साथियों को दवाएं थी आपके स्वस्थ रखने की, आपको ठीक रखने की, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। साथियों, एक्सरसाइज और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके खून का बहाव बढ़ता है, और जब आपके खून का बहाव बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी में, तो स्वतः ये जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है या स्वतः ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो HDL होता है वो इनको LDL को इनगल्प कर लेता है, ख़त्म कर देता है। तो मेहनत, एग्जर्शन, एक्सरसाइज, जिम, यह चीज़ें आप जरूर करें, साथ में इन दवाओं को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा साथियों कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक सामान्य समस्या है और किसी को भी हो सकती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने साथियों, इष्ट मित्रों में, रिश्तेदारों में, समाज में स्प्रेड करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो हमारा प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।